अगर टैलेंट हो तो राह में कितनी ही रुकावटें आएं, पर एक ना एक दिन सब रुकावटें पार होके मंजिल मिल ही जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप कुछ ठान ले तो फिर आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती, चाहे फिर तो आपके शरीर का कोई अंग आपका साथ छोड़ दे या फिर पैदाइश से ही आपके पास ना हो। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताएंगे जिसके जन्म के समय से ही दोनों हाथ और एक पैर विकृत अवस्था में है, फिर भी दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गया है। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। हम बात कर रहे हैं अहमद रजा, जिसकी उम्र 5 साल है और अहमद पैदाइश से ही दोनों हाथ एक पैर से विकृत अवस्था में होने के बाद भी डांसिंग और स्टंट करते करते आज किंग बन गए हैं। अहमद ने विश्व प्रसिद्ध नागौर के मकराना शहर में रहने वाले फरहान के घर 16 जून 2014 को जन्म लिया था। आपको बता दें, अहमद के बचपन से ही विकलांग होने से अहमद के माँ बाप को बहुत गहरा सदमा लगा था, साथ ही रिश्तेदारों ने अहमद को अस्पताल में ही छोड़ देने की सलाह दी थी, लेकिन लोगों के रिश्तेदारों के कहने के बाद भी अहमद के पिता फरहान ने किसी की एक न सुनी और अहमद का ख्याल ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाया। साथ ही अपने बेटे के दिव्यांग होने के बावजूद फरहान ने उसे एक हीरा जैसा रत्न बनाने का फैसला किया, ताकि उसका बेटा दुनिया की नज़र में एक दिव्यांग की भूमिका में रहते हुए भी खुद को लाचार न समझे। अहमद के माँ बाप ने अहमद के जीवन को सुखद बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और कठिनाइयों का सामना भी करा, जिसका फल है आज अहमद प्रसिद्ध डांसर है। अहमद रजा की प्रतिभा को सबसे पहले नारायण सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने पहचानी। विशाल क्षमताओं जैसे विभिन्न कलाओं के साथ नृत्य करते हुए 5 साल के रजा का वीडियो देखा तो अहमद को दिव्यांग टैलेंट शो में भाग लेने को कहा और यह भी सुनिश्चित किया कि अहमद के हाथ और पैरों का सही ढंग से इलाज किया जाए। साथ ही अहमद को दिव्यांग टैलेंट शो का प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया, जिससे वह खुद के साथ दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना। यही नहीं, 5 साल के अहमद रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी अपने टैलेंट का अद्भुत प्रदर्शन कर देश में ऐसे टैलेंट के होने पर सबको गर्व भी कराया। स्पेशल डेस्क से वर्तिका शर्मा की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।